समय से दरकार हुए हार्डवर्क डेडिकेशन स्नेह प्रेम भल पाइबा द्वारा आम गृहिणी सुगृहिणी बनी था तो ठीक से हीपरी आज आम जन सुगृहिणी सहित मिसिबा जानवा विषय किसी शुणा किसी स्मृति अनुभूति एवं देखा हाथ या रोसे तो आसतु से सुगृहिणी को मिसिबा और जानवा विषय किसी जन सुगृहिणी घर आज आस पहुंची से सुगृहिणी जनक आउ कहीं नुहति आमर घर पाखर पड़ोशी जड़े भाउज से भाउज जनक हूँ बिहार विषय किसी जानवा स्मृति अनुभूति विषय किसी शुणा और हाथ या रोसे देखा तो चलत भाउज को स्वागत करवा आम चैनल रे नमस्कार कहीं आमर भाउज जनक हूँ बिहार से ओडिया बुझे बट कही पारती से आज आम कन्वर्सेसन टा हिंदी में हम आशा करशेष किसी असुविधा हेनी आप भिडियो एंजय करेंगे और लास्ट पर्यटन देखिए नमस्कार नमस्कार सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना नाम बता दो। मैं तो तुम्हारा नाम जानती हूँ बट सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपने नाम बता दो। नमस्कार प्रिया दर्शकों और सभी बंधु बांधवों को, मेरा नाम प्रियंका कुमारी है। मैं यहाँ पर 4 साल से रह रही हूँ उड़ीसा में। हाँ, मैं बिहार की रहने वाली हूँ। अच्छा, तो प्रियंका शादी को कितने साल हो गया है? मेरी शादी को 4 साल हो गया। अच्छा, और बच्चे? बच्चा एक है, बेटा। अच्छा, कितना साल का है? 2.5 साल का। अच्छा, हस्बैंड क्या करते हैं प्रियंका? हस्बैंड बैंक में है। जी, भाई साहब के जॉब के वजह से आप लोग यहाँ पर रहते हैं? हाँ, क्योंकि उनका जॉब यहाँ पर है तो हम लोग को रहना पड़ता है, नहीं तो अपना बिहार में अपना घर है। अच्छा, तो मजबूरी कहिए या जो भी कहिए, अब तो रहना पड़ेगा ही। हाँ, और आपके फैमिली में कौन कर? मेरे हस्बैंड है, उनके भाई हैं और उनकी 5 बहनें हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग 4 ही लोग रहते हैं। अच्छा, हम और सासू माँ और बेटा और हस्बैंड। अच्छा, तो बहुत ही बड़ा और प्यारा परिवार है आपका, और भगवान करे सब लोग बहुत ही खुशी और शांति से आपका जीवन आगे बढ़े। आपका क्वालिफिकेशन क्या है? मैं बीएड की हूँ। अच्छा, और जॉब भी इंटरेस्टिंग नहीं था जॉब में आपका? नहीं, मैं जॉब करती थी लेकिन शादी ठीक होने के बाद हस्बैंड बोले कि अभी यहाँ पे मैं वहाँ पे ठीक नहीं लगता, इसीलिए मैं जॉब बिहार में तुम जॉब करती थी इस वजह से? मैं टीचिंग करा दी। अच्छा अच्छा, इस वजह से जॉब छोड़ना पड़ा ताकि भाई साहब यहाँ उड़ीसा में आ जाते और आपको बिहार में रहना पड़ जी, जी इस वजह से आपने। ठीक है, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो आप यहाँ पर भी कर सकते हैं जी। तो प्रियंका ये बताओ, तुम्हारा जो शादी है वो लव मैरिज था या अरेंज मैरिज था? नहीं दीदी, मेरा शादी लव मैरिज नहीं है, मतलब हम लोग का शादी अरेंज मैरिज ही हुआ था। अच्छा, और तो भाई साहब देखने आए थे तुमको? जी, भाई साहब देखने आए थे, उनकी सब बहनें हमको देखने आई थी, माता जी देखने आई थी, सब लोगों को देखने आए थे, इनके एक दोस्त भी देखने आए थे। अच्छा, हाँ, तो भाई साहब एक बार तो फर्स्ट टाइम मतलब देख ही फ्लैट हो गए। और तो और कोई भी देखने आया था या यही वाला प्रस्ताव जो है फर्स्ट टाइम था या उससे पहले भी कोई और आया? नहीं, उसके पहले मुझे कोई देखने नहीं आया। अच्छा, हाँ, मेरा फर्स्ट मतलब यही देखने आया और यही सारे, क्योंकि प्रियंका इतना ब्यूटीफुल है भाई सब एक बार में देखने गए और एक ही बार में फ्लैट हो गया और शादी फिक्स हो गया है उनका। अच्छा, लाइफ में तो सबके साथ बहुत सारे इंसिडेंट होता है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स, बहुत सारे फनी किस्से भी लाइफ में रहते हैं, बहुत सारे कुछ स्मृति अनुभूति हमारे जिंदगी में रहता है। तो आज हमारे दर्शकों को अपना कुछ इस तरह का एक कोई भी एक इंसिडेंट बताओ, कोई फनी इंसिडेंट हो, कोई सुख वाला इंसिडेंट हो, कोई सैड वाला हो, कुछ भी जो तुमको पसंद हो तो तुम अपना एक किस्सा सुना सकते हो हमारे दर्शकों को।
जब मैं शादी करके आई थी यहाँ पर उड़ीसा में शुरू शुरू में, तो सबसे पहले मैं शादी करके यहीं पर आई। अच्छा। हाँ मतलब इनका यहीं पर पोस्टिंग था उड़ीसा में ही, तो यहीं पर हमको लेकर के आए। तो कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम हुआ तो हम घूमने गए, तो जैसे चांदीपुर है यहाँ का सबसे मतलब जो फेमस जगह, तो चांदीपुर हम लोग गए थे घूमने के लिए। तो पानी था और हम लोग पहले कभी गए नहीं थे, तो मैं तो जो अब शादी करके आई थी कुछ मेरे पास उस तरह का था नहीं, आइडिया भी नहीं था। तो जो शादी वाला स्लीपर था मैं वही पहन के चली गई, जो शादी वाला मेरा सैंडल था मैं वही पहन कर चली गई, क्योंकि चांदीपुर तो सी बीच है और सी बीच में प्रियंका हील पहन के चली गई। तो एक्चुअली हम लोग को कोई आइडिया नहीं था ना, मैं हम लोग किसी के टच में भी नहीं थे, तो किसी से कुछ बातचीत हुई नहीं थी। तो हम लोग चले गए, गए तो क्या हुआ कि वो सैंडल को मुझे एक जगह खुल के रखना पड़ा, क्योंकि वो लगा कि सैंडल पहन के मैं उसमें नहीं चल पा रही थी, कम्फर्टेबल के लिए बालों में वो नहीं चल पा रहे थे, मैं खोल के रख दी। और हम लोग चलते चलते मैं और मेरा भाई कुछ दूर निकल गए, तो अब तक से क्या हुआ कि समुद्र के पानी की तरफ चले गए। हाँ, तो वो मेरा जो चप्पल था पानी के ऊपर तैरने लगा, तब तक मेरे हस्बैंड जो थे उसको हाथ में, वो किनारे पे थे क्या? हाँ वो उधर ही रुके हुए थे। अच्छा अच्छा। हाँ तो उन्होंने मेरा चप्पल ले लिया, तो उसी पे जो हम लोग उस समय तो कुछ ध्यान नहीं आया, लेकिन बाद में जब हम लोग फोटो क्लिक किया उसके बाद जो सेंड किए सब ननद लोग को, उन्होंने बोला कि अरे वाह अभी से भाई सब तुम्हारा सैंडल पकड़ते हुए फोटो खींच लिए थे। जी जी भाई ने मेरा फोटो क्लिक किया, तो उस समय दिमाग में नहीं आया कि हम लोग को उसको डांट देना चाहिए। अच्छा तो बहुत ही फनी किस्सा है। आपका हॉबी क्या है, क्या करना आपको पसंद है, लगता है? मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है, मतलब वैसे टाइम मिले तो फुर्सत में कुछ अपना क्रिएटिविटी करती रहती हूँ अक्सर बैठ के, बाबू जब सो जाता है तो लगता है कि कुछ करना चाहिए। तो अक्सर अभी बच्चे का संभालना सबसे बड़ी टास्क होता है। अभी के टाइम में बच्चा अभी ढाई साल का है जी, तो इस समय में बच्चे को संभालना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी टास्क और एक बहुत ही बड़ी क्रिएटिविटी है। है ना, शादी का पहले का लाइफ ज्यादा कंफर्टेबल था या शादी के बाद का लाइफ ज्यादा कंफर्टेबल है और इंटरेस्टिंग है, कौन सा लाइफ? ऑफकोर्स शादी के पहले वाला कम्फर्टेबल रहता है लेकिन इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो हमारे लाइफ में ज्यादा जिम्मेदारी ज्यादा कोई जिम्मेदारी ज्यादा रहता नहीं है और ना ही कोई रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहता है। तो शादी के बाद क्या होता है ना, रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो बढ़ जाता है हमारी लाइफ में और उसको निभाने में हमको अच्छा लगता है। जी जी बिल्कुल, है ना, नए नए रिश्ते बनते हैं, नए नए जिम्मेदारियाँ मिलती हैं। अब उस रिश्ते को क्या है कि पढ़ाई की है तब तक तो ठीक लगता है, चलो बिजी है, उसके बाद जब पढ़ाई रुक गया कहीं जॉब वॉब हो गया तो भी ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या है कि आप बोर फील कर रहे हैं। लेकिन इधर क्या होता है, लाइफ में कैसा टर्न आता है, हम लोग को हर एक समय में चैलेंज मिलता है। जैसे अब शुरुआत क्या होता है, ए बी सी डी सीखने गए तो फिर एक वर्ड मिलता है, एप्पल याद करो ऐसे, तो लाइफ का भी सेम यही फंडा है कि जैसे जैसे आप चैलेंज को एक्सेप्ट करते जाइएगा आपको और चैलेंज मिलते जाएगा और उसी को हमको पूरा जिम्मेदारी के साथ निभा के चलने में ही ज्यादा मजा आता है, या तो फिर मैं कहूँगी उसको जिम्मेदारी के साथ निभा के चलने में ही हमारा लाइफ बहुत इजी और कम्फर्टेबल जाता है। जो निभा के चल रहा है वो खुश है, जो इस चीज को नहीं एक्सेप्ट करता है वो दुखी है। दुखी है। हाँ। बहुत ही अच्छी बात किया आपने प्रियंका, और ठीक है प्रियंका आपके साथ हमने बहुत सारे प्यारे प्यारे बात की, बहुत सारे बात आपसे सुने जाने, तो आगे भी आपके साथ बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें करेंगे, क्योंकि आप बिहार के हैं। ओडिशा का कुकिंग तो मैं, ओडिशा का कुकिंग तो मेरे वीडियो पर मेरे चैनल पर सबको दिखा रही हूँ, बट बिहार स्पेशल आज कुछ हम आपके हाथ से देखेंगे, बिहार स्पेशल कुछ फेमस खाना आप हम लोग के लिए बनाएंगे, तो बताइए ये कौन सा बिहार स्पेशल खाना बनाएंगे? हमारे लिए स्पेशल डिश के लिए वो है लिट्टी चोखा, हम लोग के तरफ बहुत मतलब वो आपको हर कोई जानता है, जैसे ही आप बिहार में एंट्री लिए तो आपको लिट्टी चोखा, लिट्टी चोखा बहुत वैसे हम लोग भी सब जानते हैं कि बिहार का लिट्टी चोखा बहुत फेमस है
और वैसे भी मैं यूपी में 5 साल रह के आई हूँ, तो वहाँ पर भी मुझे पता है, मतलब जानकारी हो जाता है कि बिहार का स्पेशल है, और कई बार मैं खाई हूँ, लेकिन मुझे उसको बनाना नहीं आता है और ना ही मैंने कभी बनाया है। जब से उड़ीसा में आई हूँ तो तब जो भी जिसको भी थोड़ा बहुत लिट्टी चोखा के बारे में जानकारी है तो अक्सर पूछ लेती हूँ, लिट्टी चोखा वहाँ का बहुत मशहूर है तो कैसे बनता है, तो मतलब ये उन लोग का विश पूरा हो जाएगा इस वीडियो के थ्रू। बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग देखेंगे। तो प्रियंका, बहुत सारी प्यारी प्यारी बात आपके साथ की, बहुत ही अच्छा लग रहा है हमको, हमारे दर्शकों को भी बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। तो बिहार का स्पेशल जो होता है, वहाँ का भाषा जो होता है वो भोजपुरी भाषा होता है, वहाँ का भोजपुरी भाषा मुझे भी 2-4 लाइन आता है, जैसे का हलवा की करते नहीं का करते नहीं की हलवा और की बड़ू कैसन बड़ू। अच्छा अच्छा, कैसन बड़ू, क्योंकि मैं यूपी में 5 साल थी, आस पड़ोस में सब लोग बोलते थे, तो मैं बहुत सारी बातें सीख गई थी, और कई कई जगह पे मैं बिहार की भाषा भी बोल देती थी, क्योंकि वहाँ सुन सुन के इंसान को होता है ना कि सुन सुन के दिमाग में रह जाता है और मुँह से भी वही भाषा निकल जाता है, मुझे बहुत अच्छा भी लगता था बोलना। तो बिहार का भोजपुरी भाषा बहुत फेमस है, तो तुम भोजपुरी भाषा में हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा 2 लाइन ही सही एक गाना गा के सुनाना पसंद करोगी? बिल्कुल, लगाना सुनाना। हाँ, तो गा लो थोड़ा सा 2 लाइन हमारे दर्शकों के लिए। ज्यादा मेरा सुर तो अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपकी रिक्वेस्ट पूरा कर देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, पूरा कर देती हूँ। जब लगा मेनू तू लिपस्टिक हीले लारा लिपस्टिक लाल पाप लागे कमरिया करेला पालो पलाली पाप लागे। अच्छा ठीक है, तो प्रियंका गाने में काफी फनी गाना है सर। अच्छा ठीक है, तो बहुत सारे प्यारे प्यारे बात किया आपके मुंह से, एक बहुत ही प्यारा भोजपुरी गाना भी सुन लिया। तो अब चलते हैं किचन में। शादी के 4 साल से तो तुम अपने हाथ का जादू अपने हस्बैंड को अपनी सासू माँ को दिखाती आ रही हो, आज हमारे दर्शकों को अपने हाथ का जादू दिखा दो। तो बिल्कुल अभी टाइम वेस्ट किए बगैर हम लोग चलेंगे किचन में, और किचन में देखेंगे प्रियंका के हाथ के बनाए हुए बिहार स्पेशल लिट्टी चोखा। सबुठ प्रथमे आमे जो लिट्टी चोखार जो लिट्टी स्टपिंग टा गोटे बने, तो तार स्टपिंग टा सबुठ प्रथमे बनेबा चणा छतुआ, बुट छतुआ जोटा कहा जाए सेइटा, बुट छतुआटा बेसन नुहे बुट छतुआ। तापर एठी मसला रे नै जंती कटा हितिबा छोटो छोटो कटा हितिबा रसुण लेंबु, एटा होची जीरा गुंड धनिया गुंड हळदी गुंड आ एटा होची कळा जीरा आ जुआणी छोटो छोटो कटा हितिबा कंचा लंगा, बस ए सबु को नेकी एबे आमे तयारी करिबा ब्लैक पेपर पाउडर। ओहो अच्छा, आउ एटा होची गोलमरीच पाउडर। तो ए बुट छतुआ सहित सब मसला पकई दिया गला, सोरिष तेल लेंबु रस आउ पड़ी आधे आवश्यक मुताबक लुण, बहुत अल्प टिके पानी, एबी सबु मसला को बुट छतुआ सहित खूब बढ़िया से मिक्स कर दिया जीवो, हाथ रे ताकू बढ़िया से दळी दळी करा जीवो, सो दैट मसलाटा बुट छतुआ सहित पूरा बढ़िया से मिसी जीवो। अच्छा प्रियंका, मैंने देखा है कोई कोई ना ये जो सत्तू का स्टॉपिंग बनाते हैं, तो ये जो बुटो छतुआ है इसमें आम का अचार का मसाला भी डालते हैं कोई कोई? जी डालते हैं, अगर हमारे पास नींबू मौजूद नहीं है तो हम लोग आम का अचार भी डाल सकते हैं। अच्छा, अगर हमारे पास इजिली अवेलेबल है लेमन तो फिर हम लोग उसी को डालेंगे। हाँ, ठीक है। और तुम मिट्टी के पॉट में पानी रखते हो प्रियंका? हाँ, पीछे एक मिट्टी का पॉट है, घर में कोई भी फ्रिज का पानी नहीं पीता है। हाँ, तो चूंकि सासू माँ को गरम गरम हो जाता तो अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए हम लोग भी नहीं पीते हैं फ्रिज का पानी। हाँ, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, हमेशा ना नेचर के साथ जुड़े होके रहना चाहिए, है कि नहीं? हम लोग अच्छा, खुशबू बहुत अच्छा आ रहा है इसे ही खाने का उसका। ओके,
और इसका हम लोग का है कि सैटरडे के दिन ही हम लोग बनाते हैं इसको। अच्छा क्यों? हाँ क्योंकि वो शनि देव इससे शांत होते हैं, हम लोग का ऐसा मान्यता है। अच्छा अच्छा कि हाँ शनि का मतलब कि प्रकोप जो होता है अच्छा, अच्छा। सत्तू खाने से थोड़ा सा कम रहता है। ओहो, इसी वजह से हाँ खिचड़ी हुआ और सत्तू हुआ। ओहो, आज के दिन हम लोग का एकदम मतलब सैटरडे को, हाँ सैटरडे को लिट्टी बनना है तो सैटरडे को। अच्छा अच्छा अच्छा। तो प्रियंका सत्तू बना के वो जो क्या लिट्टी बना के तुम मुझे जो खिलाओगे तुष्ट हो? मैं ग्रह बन के तो नहीं आई हूँ संतुष्ट होने के लिए, ऐसा तो नहीं है ना? टिक्के लोन रो क्वांटिटी माने टिक्के अधिक रही बा कहेंगे ना। लेकिन कुकर में पकाने का उसका अच्छा नहीं लगता है स्वाद, ऐसे सोनापन आ जाता है उसमें। ये रिफाइंड तेल है। अच्छा हाँ हल्का सा डालेंगे इसमें खस्ता पाई अटा रहे रिफाइंड ऑयल लूण हाँ नमक इसमें नमक नहीं। अच्छा अच्छा नमक नहीं। ये जो बैगन है हाँ, इसको हम लोग जो गोईठा होता है गांव में जो होता है उसको आव जला करके उस पे हम लोग पकाते हैं ताकि सोनापन इसमें आए। लेकिन यहाँ पर वो फैसिलिटी तो अवेलेबल नहीं है चूल्हा चूल्हा अवेलेबल नहीं है तो इसलिए हम लोग इसको इस पे पकाएंगे ताकि सोनापन आए। हाँ और आलू को हम लोग इसमें डाल देंगे। इसमें तुमको पहले से ही खाना बनाना आता था प्रियंका या फिर शादी के बाद तुम सीखी? नहीं नहीं मुझे पहले से ही बहुत शौक था खाना का और खाना बनाने का। प्रियंका बहुत भल स्टूडेंट, से नवोदय स्कूल स्टूडेंट, ता सहित बीएड भी करी आउ खाना बनैबा भी तांको बहुत ही बढ़िया आसे। तो ऑल कुल मिला के कहिया गले से जने पूरा सुगृहिणी। देखिए टमाटर को भी हम लोग हाँ यही इसी पे पकाएंगे। हाँ तो लेकिन क्या है कि कितना भी आप अमीर हो जाओ, कितना भी आपके घर में कितना भी टैलेंटेड हो जाओ, बिल्कुल पढ़े लिखे कितना भी हो जाओ, लेकिन आपको कुकिंग तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। क्योंकि वो कहा जाता है ना कि खाना में वो प्यार परोसा जाता है। हाँ। तो आप प्यार से परोसोगे नहीं तो फिर शरीर में क्या लगेगा। हाँ। अब उसी के लिए कहा जाता है जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा तन। हाँ। तो जैसा पियोगे पानी वैसा होगा वाणी। हाँ। तो ये कि मैं काम वाली को बोली कि मैं दो रोटी और दो रोटी रोज उसके दिमाग में है कि मैं दो रोटी खाती हूँ। हाँ। तो मैं जैसे ही बोली एक रोटी और देना वो तो किचकिच करी। बिल्कुल बिल्कुल वो बोले फिर और एक रोटी और लोग एक्स्ट्रा मांगे मुझे और एक एक्स्ट्रा बनाना। हाँ, पड़ेगा टाइम देना पड़ेगा। हाँ, एक्स्ट्रा तो मैं घर जाती। हाँ, अपना आराम से चादर। इसलिए फैमिली को हम लोग को प्यार से खाना बना के परोसना चाहिए खासकर। हाँ, और मैं यही कहूंगी कि आज के जनरेशन को बिल्कुल नहीं आना चाहिए, थोड़ा या ज्यादा आपको आना चाहिए। अब जैसे ये लॉकडाउन ही लग गया आज, ठीक है आप कोई भी कहेगा हमेशा थोड़ी रहता है, तो आज के डेट में देखिए जाए तो एक्टर एक्ट्रेस सबको बनाना पड़ गया। बिल्कुल किसी के घर में कोई कुक नहीं था, सब बना के इतनी खुशी। जरूरी है कि हम सबको जैसे वर्किंग लेडी के लिए तो फिर भी ठीक है चलो कोई भी हेल्पर रख लिए, लेकिन हम हाउस वाइफ लोगों को खाना बनाना जरूर आना चाहिए है कि नहीं? और बना के हस्बैंड लोगों को बहुत ही प्यार से, सिर्फ हस्बैंड नहीं बच्चे कैसे तो बिल्कुल और हस्बैंड बच्चे फैमिली सबका दिल जीतने के लिए खाना बना के उनको खुद परोसना चाहिए है कि नहीं? यहाँ पर पक चुका है टमाटर हो रहा है, इधर आलू बैठा दिए है, सत्तू का मसाला भी रेडी है। अब आटा गूंथना। अच्छा ये करेंगे। अच्छा ओ बेबी वो जो ऐसे रोटी के लिए हम लोग गुथते हैं ना, सॉफ्ट नहीं गुथेंगे इसको, थोड़ा सा हार्ड रहेगा। अटा दोलाटा टिके टाण रहिबो, पूरा सॉफ्ट होबोनी, आमे जेमती रोटी बनौचे सेमती सॉफ्ट नै, ताठू टिके टाण रहिबो जा दरे कि लिट्टीटा भलसे बनिबो। ओटे टमाटोटा नोटे दबा आदत अछि हाथ, लेकिन एरा सेफ प्रोसेस नै। प्रियंका को मुझे हेल्प कर दौर धनिया पत्र कट कर दौर से साइड रिटी पाई प्रिपेरेसन चलती तो साहय कर दौर ठीक है ना। हाँ। ता जो लिट्टी भितर मसलाटा सेटा टिके धनिया पत्र भी पड़ो सो देट बासनाटा बहुत बढ़िया आसने। चोखाटा हूँ एक्चुअली एटा सब दला दोली जो बने सेटा हूँ चोखा, तो से बैगण पोड़ा हो गला, आलू सीझा हो गला प्रेसर रे, टमाटो भी पोड़ा हो गला, तो यही नहीं चोखा बनब। तापी मसला हूँ ये छोट छोट काटूचा हूँ कंचा लंका को छोट छोट चुन चुन करके काटा हूँ, एपटे रसुण को कुटिकी रखी धनिया पत्र आमे लिट्टी चोखा बनाऊ झरकापटे देखिल गुपचुप वाला गाड़ी आसी, तो यहाँ प्रियंका को घर सामने गुपचुप वाला ठिया है, आम चली आसलु ये गुपचुप खाया।
लिट्टी चोखा गरम रे भितरे करी करके बरी गलु तो गुपचुप भी टे टेस्ट नहीं किया तो अटा पेड़ाटा को नहीं चंती अटा पेड़ाटा को लेकिन हाथ में एमती गोल 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 करके गोटे ताटिया टाइप कर दिया होची गोटे भितर जमी आम मंडा पिठा करूँ बराबर होना गोटे साइड पूरा अधिक हो गोटे साइड कम हो तो से एक्सट्रा जो टिके बाहर बाहर कर दिगला भितर स्टपिंग बास तो प्रियंका ये हूँ सासुमा सासुमा को भी देखी निपटे माझी एपटे प्रियंका समस्ते तीन जन जाक मिसिक लगि पड़चु पूरा लिट्टी चोखा बनवाई गुपचुप खाई आसीगलु एवं लिट्टी चोखा फाइनाल स्टेज पहुँचीगला बास ए फ्राए हम लिट्टी चोखा आम बन जा सोरस तेल कड़ई टमाटो आलु बैगन को बढ़िया से मैश कर दिगला एवं पड़ज धनिया पत्र ये उनकी सासुमा के लिए थोड़ा सा सासुमा को पाई टिके बाहर करके रखी देती से आलु खाती नहीं तो बैगन टमाटो रहा एपटे समस्त रसुण कंचा लंका धनिया पत्र पिया पड़ो सोरस तेल देख के तुम में पानी आ जाएगा वो तो है ये तो आप लोग का बुखार भात के साथ भी हाँ सही वाला देखो तुम जो बोले ना प्रियंका जो कहले कि तुम तो देखिए मुहर पानी आसो मुझे ठीक से भावुनि आमर तो पखाड़ संगे पूरा देखिए पानी आसो तो सी भी जना अच्छे तो सी भी सही फटिक कहीदे कहते तो तुम आपण मान पखाड़ संगे ये मुझे कहे हाँ आम एटा पखाड़ संगे तुम एटा लिट्टी संगे ये सासुमा के लिए देखो हम लोग का गरम हो गया ऐसे करके देख लेंगे ये लिट्टी डाल देंगे यो माचरे फ्राई नहले एटा उपरटा हेजबो भितरटा सिझिबनी भलसे तो मीडियम माचरे लाल लाल करके फ्राई करनवा पहले एकदम लो करके फिर उसके बाद मीडियम करके बनाएंगे अच्छा हां जो हमारा लिट्टी है अब तैयार हो गया है थोड़ा फट गया है हां ऊपर से अब लिट्टी अब बनके पूरा तैयार रेडी है आइसक्रीम टेस्टी है बाबू फाइनाली बिहार रो लिट्टी चोखा बनिकी पूरा प्रस्तुत हो गला ये रहिला लिट्टी चोखा सलाड आचार बस तांकर एमती हला सर्व करिवार माने ए सब आइटम संगे सर्व भी करा जाए तो लिट्टी चोखा टिके टेस्ट करिवा में मु तो खाई छी बहुत थर्टियों का हाथ रो लिट्टी चोखा आज आपण आ गया आपण ठीक खा ले आना नहीं आप खाइए थोड़ा सा आप थोड़ा सा खाइए आप कितना है आप जगह अच्छा बनाते हैं कि आप तो बहुत ज्यादा अच्छा बनाते हैं आप लोग चूल्हे पे बनाते हैं ना तो आप लोगों का टेस्ट अलग होगा आगे को आपको आगे बताइए कैसा बना है मेरे हाथ का लिट्टी चोखा मैं तो पहले भी खाई हूँ बहुत टेस्टी है बट आज बहुत ही टेस्टी बन जी तो आगे मुझे जमता हाथ रो लिट्टी चोखा खाई थी बहुत टेस्टी बट सत्र बहुत टेस्टी है जी नॉर्मली एमती को फ्राई जिनस खाया भल पाए बट लिट्टी टा फ्राई नहीं हेले तार टेस्ट आसे भी बहुत ही बढ़िया बन जी बहुत ही टेस्टी बन जी माँ जी आपको बिहार में ज़्यादा अच्छा लगता है कि यहाँ पर ज़्यादा अच्छा लेकिन यहाँ पर अच्छा तो लगता है ना ठीक अच्छे फ्रेंड्स आज आपण मानी आसी बिहार रो लिट्टी चोखा गोटे नुआ परिवार सहित आपण मानको मिसेले जड़े बिहार रो भाउजों संगे आपण मिसिले जड़े बिहार रो माझी को संगे आपण मिसिले ताको भी जानिले आउ प्रियंका को आपण जानिले ताको बिसेले किछ जानिले आशा करछि आजिर ए वीडियो टी आपणको बहुत भल लागिथिबो यदि आपणको ए वीडियो टा भल लागछि निश्चित देइ देबे एक सारा लाइक तले लिखि देबे गोटे सुंदर कमेंट चैनल के नुआ अछि चैनल टी को सब्सक्राइब कर देबे एई भली सुंदर सुंदर वीडियो देखिया पई मो चैनल टी को सब्सक्राइब कर देबे मेहनत करती है प्लीज
ट्राई तो कीजिए, बहुत बहुत मेहनत करती हैं अकेले सब काम करके और एक वीडियो को बनाने में कितना मतलब मुश्किल है आज मुझे पता चला, मैं इनके साथ वीडियो बनाई तो इसलिए और कुछ तो नहीं, लेकिन लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरे को दिखाइए और खास करके यहाँ के लोगों को रहता है कि हाँ लिट्टी चोखा कैसे बनेगा, हो गया लोगों को बार बार हमसे पूछती थी तो ये है, तो आप एक दूसरे को शेयर कीजिए लिट्टी चोखा कैसे बनता है। बापू बाय करता वीडियो में।